हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। तो आज हम पहाड़ी स्कूल का दूसरा सब स्कूल करेंगे जिसका नेम है गुलेर। तो लास्ट वीडियो में हमने बसोले किया था एंड इस वीडियो में हम गुलेर स्कूल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको बसोले स्कूल समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। The last phase of Basoli style was closely followed by the Jammu group of painting, mainly consisting of portrait of Raja Balwant Singh of Jasrota, a small place near Jammu by Nansukh, an artist who originally belonged to Gulair but had settled at Jasrota. जो बसोली स्कूल हमारा था, सब स्कूल था, उसका जो लास्ट फेज था उसको गुलेर स्कूल ने फॉलो कर लिया। मतलब बसोली में जो वर्क होता था बाद में गुलेर स्कूल ने उसको कंटिन्यू किया। तो इसमें क्या हुआ था कि जसरोटा का जो रूलर था, जसरोटा जम्मू में एक प्लेस है, उसका नेम है जसरोटा, उसका जो रूलर था राजा बलवंत सिंह, उसके पोर्ट्रेट्स बने जो कि आर्टिस्ट नैनसुख ने बनाए थे। मतलब कि गुलेर स्कूल जो था इसने बसोली का लास्ट फेज था उसको फॉलो किया एंड उसमें जो राजा था, रूल करता था गुलेर में, राजा बलवंत सिंह ऑफ जसरोटा, तो उसके पोर्ट्रेट बने, बहुत सारे पोर्ट्रेट बने, बहुत पेंटिंग्स बनी, जिसको आर्टिस्ट नैनसुख, जो कि बहुत फेमस आर्टिस्ट रह चुका है पहाड़ी स्कूल का, इसने बनाया। ये जो आर्टिस्ट नैनसुख था ये गुलेर से बिलोंग करता था बट ये जसरोटा में ही सेटल था। मतलब ही वर्क बोथ एट जसरोटा एंड एट गुलेर। तो इस आर्टिस्ट ने दोनों प्लेस पे काम किया, गुलेर में भी एंड जसरोटा में भी। दीज पेंटिंग्स आर इन अ न्यू नेचुरलिस्टिक एंड डेलिकेट स्टाइल में मार्किंग अ चेंज फ्रॉम द अर्लियर ट्रेडिशन इन द बसोली आर्ट। इस स्कूल में जितनी भी पेंटिंग्स बनी वो नेचुरलिस्टिक और डेलिकेट स्टाइल में बनी। मतलब इस स्कूल का काम थोड़ा नेचुरलिस्टिक पन पे था, मतलब थोड़ा अच्छा होता था तो नेचुरलिस्टिक और डेलिकेट स्टाइल में बनी, जो बसोली आर्ट की अर्लियर ट्रेडिशन आर्ट को मार्क करता है। मतलब कि जो बसोली स्कूल की जो अर्लियर, मतलब जो बसोली स्कूल का स्टार्टिंग का वर्क था उसको ये मार्क करता है। द कलर्स यूज्ड आर सॉफ्ट एंड कूल। सॉफ्ट एंड कूल कलर यूज़ किए इस स्कूल ने। सॉफ्ट एंड कूल कलर वो होते जो ज़्यादा ब्राइट नहीं होते, कूल कलर, जैसे ब्लू के टोन हो गए, लाइट पर्पल, ये कूल कलर होते हैं। तो इस स्कूल में कूल एंड सॉफ्ट कलर यूज़ हुए। द स्टाइल अपीयर्स टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द नेचुरलिस्टिक स्टाइल ऑफ द मुगल पेंटिंग ऑफ मुहम्मद शाह पीरियड। ये जो स्टाइल था इस स्कूल का, जो ये पेंटिंग का स्टाइल था, जो जैसे ये पेंटिंग में ये नेचुरल वर्क करते थे, जो इनका नेचुरलिस्टिक स्टाइल था, ये शायद मुगल पेंटिंग में मुहम्मद शाह का जो टाइम था उससे इंस्पायर्ड था। मतलब कि जैसे मुगल का इन्फ्लुएंस पड़ा था पेंटिंग्स पे, तो ये जो स्कूल का जो ये नेचुरलिस्टिक स्टाइल था ये मे बी मुहम्मद शाह पीरियड से पड़ा। At Gulair, another state in the Pahari region, a number of portraits Raja Govardhan Chand of Gulair were executed in circa 1750 AD in a style having close affinity with the portrait of Balwant Singh of Jasrota. They have been drawn delicately and have a bright and rich palette. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि गुलेर में जो पहाड़ी रीजन था, जो पहाड़ी स्टेट था, उसके जो अनदर स्टेट थे, उसके साथ ही जो अलग एरियाज थे, जो स्टेट थे, उसमें राजा गोवर्धन चंद जो था उसके पोर्ट्रेट्स बनाए गए 1750 में। मतलब कि गुलेर में और जो पहाड़ी रीजन था उसके अलावा और बाकी स्टेट में रूलर गोवर्धन चंद के पोर्ट्रेट्स जो है 1750 में बनाए गए। तो पहले राजा बलवंत सिंह के बने थे, अब राजा गोवर्धन चंद के बने थे। ये जो पोर्ट्रेट बने थे इनकी ड्राइंग काफ़ी डेलिकेट थी, मतलब काफ़ी अच्छी ड्राइंग थी एंड ये ब्राइट
कलर यूज़ करते थे एंड रिच पैलेट। रिच पैलेट का मतलब है कि जैसे ये लोग पैलेट यूज़ करते हैं ना, जिसमें हम कलर रखते हैं, कलर ट्रे होती है ना, उसमें इनके जो कलर्स पड़े होते थे वो काफ़ी रिच होते थे, मतलब कि इन्होंने पेंटिंग में काफ़ी ब्राइट एंड रिच कलर जो है यूज़ किए। The finest group of miniature done in the Pahari region is represented by the famous series of the Bhagavat, the Geet Govinda, that the Bihari Satsai, the Baramasa and the Ragmala painted in 60 to 70 AD. The exact place of origin of this series of painting is not known. मतलब कि जो पहाड़ी रीजन था, मतलब जो पहाड़ी स्टेट था, उसमें जितना भी मिनिएचर वर्क हुआ उसका जो फाइनेस्ट ग्रुप था उसमें सीरीज़ बनी। सीरीज़ कौन सी बनी थी? भगवता, गीत गोविंदा, बिहारी सत्सई, बारामासा और रागमाला। तो ये जो ग्रुप था ये इन सीरीज़ को प्रेजेंट करता था, जो 60 से 70 तक पेंट हुई ये जो सीरीज़ थी। ये जो सीरीज़ बनी इसका जो ओरिजिन हुआ उसका एग्जैक्ट प्लेस हमें नहीं पता कि कहाँ पे इन सीरीज का ओरिजिन हुआ। एन इलस्ट्रेशन फ्रॉम द फेमस सीरीज ऑफ द भगवता पेंटेड इन द गुलेर स्टाइल इन द कलेक्शन ऑफ द नेशनल म्यूजियम। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि गुलेर स्टाइल में पेंटेड सीरीज ऑफ भगवता की एक इलस्ट्रेशन है, एक इलस्ट्रेशन बनी जो पेंटिंग्स बनी वो नेशनल म्यूजियम की कलेक्शन में है। इन दिस मिनिएचर कृष्णा इज शोन किलिंग अ डैमन वत्सासुर ऑन द बैंक ऑफ यमुना। तो इस मिनिएचर पेंटिंग में दिखाया है कि जो कृष्ण जी है वो डैमन वत्सासुर को यमुना नदी के किनारे उनको जो है मार रहे हैं। ये एक डैमन था जिसको कृष्ण जी मार रहे हैं। द गोपाज एंड काउज अपेयर टेरिफाइड एंड अ ट्री हैज़ बीन अपरूटेड बाय द वायलेंट मोमेंट ऑफ द डैमन हु कम इन द गर्ल्स ऑफ अ कॉफ टू किल कृष्णा। तो यहाँ पे कुछ जो गोपाज एंड काउज है उनको इस मिनिएचर में थोड़ा डरे हुए दिखाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मतलब जब कृष्ण जी उनको मारते हैं तो वो मोमेंट काफ़ी डरावना होता है, तो उसको देख के सब डर जाते हैं। और साइड में एक ट्री भी दिखाया है जो कि उखड़ा हुआ है, जो मे बी जब वो फाइट कर रहे होंगे तो शायद उन्होंने उस टाइम पे उस ट्री को उखाड़ दिया होगा। तो जो कृष्णा है उसको मारने के लिए जो वत्सासुर है वो काफ का रूप लेके आया, मतलब बछड़े का रूप जो है वो लेके आया कृष्ण जी को मारने के लिए। द स्टाइल इज नेचुरलिस्टिक एंड इज मार्क्ड बाय डेलिकेट ड्राइंग एंड फाइन मॉडलिंग टू फिगर एंड हारमोनियस कलर स्कीम। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पेंटिंग का जो स्टाइल है वो काफ़ी नेचुरलिस्टिक है, डेलिकेट ड्राइंग है, फिगर्स जो है वो भी काफ़ी फाइन बनी हुई, मतलब काफ़ी अच्छी बनी हुई है यहाँ पे, मतलब कि और जो उनका कलर स्कीम है वो भी काफ़ी अच्छा है, हारमोनियस कलर उन्होंने यूज़ किए हैं। द भगवता सीरीज इज असाइन टू 60 to 65 AD। तो जो ये भगवता सीरीज़ है वो 1760 से लेके 65 के बीच ये पेंट हुई। तो ये हो गया हमारा गुलेर स्कूल। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना।